find x satisfying the equation 4 log x to the base 10 plus 1 minus 6 log x to the base 10 minus 2 into 3 log 3 to the power log of x square to the base 10 plus 2. तो अगर मैं देखूंगा तो ये वैल्यू क्या देगी, सबसे पहले इसे सिंपलीफाई करता हूँ. तो लिखा हुआ है 4 ऑफ, पूरी क्वेश्चन में अगर मैं log of x to the base 10 को अभी के लिए बोल दूं इक्वल टू टी, ठीक है. इक्वेशन क्या हो गई यहाँ से, ये हो गया 4 to the power t plus 1, तो इसे लिखता हूँ 4 to the power t into 4 to the power 1 माइनस में, फिर आ जाएगा 6 raised to power t, फिर आएगा माइनस में 2 into 3 raised to power, ये क्या लिखा हुआ है log of x to the base 10 और x square, तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा आगे, तो आएगा 2 t हो जाएगा, ठीक है 2 t, फिर आएगा into में 3 square is equal to 0. तो यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी, तो अब इस इक्वेशन को थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, तो क्या होगा, ये जगह लिखा हुआ है, लिखा हुआ 4 into 4 raised to power t, इसे मैं लिखता हूँ 2 raised to power 2 t, फिर आएगा माइनस में, ये लिखा हुआ है 2 raised to power t into 3 raised to power t, और माइनस में लिखा हुआ है हमारे पास में 18 into 3 raised to power 2 t is equal to 0. तो अगर मैं देखूंगा इस पूरी इक्वेशन को, अगर मैं 3 raised to power 2 t से डिवाइड कर दूं, तो इक्वेशन हो जाएगी 4 into 2 by 3 raised to power 2 t, फिर आएगा माइनस में, यहाँ पे आएगा हमारे पास में 2 by 3 raised to power t, फिर आएगा माइनस में 18 is equal to 0. ओके, नाउ अब 2 by 3 की वैल्यू क्या है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, 2 by 3 था हमारे पास में, है ना. अब 2 by 3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स देखते हैं, तो आएगा 2 by 3 raised to power t is equal to minus b, तो माइनस ऑफ माइनस 1 तो आएगा प्लस 1, फिर आएगा प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4 ac, तो b स्क्वायर इज व्हाट 1 स्क्वायर माइनस 4 ac इज व्हाट 18 into 4 is 72, 72 into 4 is 288 upon 2a, तो आ जाएगा upon में 8. अभी क्या लिखा हुआ है, square root of 289 which is 17, तो वैल्यू आ जाएगी plus 1, 1 plus minus 17, तो आएगा 1 plus minus 17 by 8, तो plus 17 करने पे वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ से plus 17 करने पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 18 by c, वैल्यू आ जाएगी 18 by 8, और अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस 16 बाई, ऐसा आएगा माइनस ऑफ 16 बाई 4. तो हमें पता है 2 बाई 3 की पावर t क्या है, केवल पॉजिटिव हो सकती है, तो ये जो माइनस 16 बाई 4 है ये नॉट पॉसिबल है, और 18 बाई 8 की वैल्यू कहती है 9 बाई 4. तो 2 बाई 3 रेस्ट टू पावर t की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से वो क्या हमारे पास में 9 बाई 4. तो अगर हम देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3 बाई 2 की पावर माइनस 2 या 2 बाई 3 की पावर माइनस 2, तो ये लिखा हुआ है 2 बाई 3 raised to power t is equal to 2 by 3 की पावर माइनस ऑफ 2, तो क्या देगा 4 by 9, है ना, indirectly यही वैल्यू आ गई हमारे पास में 9 by 4 के इक्वल, तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई माइनस 2 के इक्वल, तो t आ गया माइनस 1 के इक्वल. तो अगर t माइनस 1 के इक्वल आ गया तो t किससे इक्वल था, log x to the base 10 के, तो x क्या हो जाएगा 10 raised to power t के इक्वल, t की वैल्यू माइनस 2 है, तो देगा 1/100, इट मींस x इज इक्वल टू 0.01. So this is the answer for this question. X is equal to 0.01.